Hello, and a warm welcome to the channel P3 Talks Perceive, Practice, and Prevail an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. In this video, we are going to talk about word association test examples on the instagram handle of p3 talks i had given you few words to write sentences on and many candidates has responded we are going to see those responses as examples and try and see what mistakes they have made so that everybody gets to learn from the mistakes of others सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आपको डब्ल्यू ए टी लिखने का एक सही तरीका पता होना चाहिए वॉट आर द थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करी हैं डब्ल्यू ए टी एग्जाम्पल्स टिप्स टू राइट बेटर रिस्पॉन्स इन डब्ल्यू ए टी इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फर्स्ट वर्ड वॉज कॉम्पिटिशन यू कैन पॉज द वीडियो फॉर फिफ्टीन सेकेंड एंड ट्राई एंड राइट ए सेंटेंस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड कॉम्पिटिशन इम्प्रूवस द नॉलेज अब ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस है आई I मीन mean ये सबको पता है कि आप कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं उस तैयारी से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं यू गेन नॉलेज आई वुड से दिस इज़ ए सुपरफिशियल सेंटेंस थोड़ा और थाटफुल होगी आपको सेंटेंसेस लिखने चाहिए नेक्स्ट वन हेल्दी कंपटीशन इज गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से दिस इज अ गुड सेंटेंस इट टॉक्स अबाउट कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा तो उनमें अच्छा करने की इच्छा होगी दे वुड फील कॉम्पिटिटिव एंड डेफिनेटली दे विल डू बेटर तो अगर एम्प्लॉइज अच्छा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा तो आई थिंक इट्स ए गुड सेंटेंस थर्ड सेंटेंस हेल्दी कॉम्पिटिशन असिस्ट इन ग्रोथ अब जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उसका एक छोटा वर्जन है ये बट बहुत ही ब्यूटिफुली सेम मैसेज कन्वे किया गया है दिस इज ए गुड सेंटेंस नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस प्रोफेशनल नॉलेज नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस तो so, प्रॉबेबली यहाँ पे हुआ क्या है कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटेंस से कन्फ्यूज़ कर लिया गया है प्लीज़ डोंट डू दैट सेकेंड थिंग प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप ट्राई करिए कि जो भी वर्ड आपको दिया जा रहा है आप उसको स्टार्टिंग में यूज़ करें से इस वाले सेंटेंस में अभी स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है क्या होता है कि टाइम वहाँ पे कम होता है यू जस्ट हैव फिफ्टीन सेकेंड्स तो अगर आप वर्ड को स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे तो बाद में गुम होने के चांसेस कम होते हैं ऑन द अदर हैंड अगर आप बड़े सेंटेंसेस लिख रहे हैं मोर देन एट टू नाइन वर्ड्स तो चांसेस ये होते हैं कि आप जो वर्ड है उसको मिस कर सकते हैं तो इट इज़ बेटर टू यूज द गिवन वर्ड इन द स्टार्टिंग दिस इज जस्ट एन एडवाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प्स टू विन कॉम्पिटिशन येस दिस टॉक्स अबाउट द पर्सनैलिटी कि अगर ये एक ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ सेंटेंस है कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू आर गन टू डू बेटर इन योर कॉम्पटिशन येस दिस इज गुड नेक्स्ट फ्रेंड्स हैव टफ़ कॉम्पिटिशन इन एग्जाम नाउ यूर आई वुड से ऐसा होता नहीं है नॉर्मली फ्रेंड्स के बीच में टफ तो नहीं आई वुड कॉल इट एज ए हेल्थी कॉम्पिटिशन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है बट यहाँ पे अगर आप टफ कॉम्पिटिशन लिख रहे हैं आई वुड से दैट वुड मीन कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा वो जेलस भी हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स से दैट इज़ नॉट और रियली ए गुड थिंग टू राइट तो आई वुड से आप लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स के बीच में हेल्दी कॉम्पटिशन होता है अगेन प्लीज़ रिमेंबर आप जो भी सेंटेंसेज लिखेंगे दैट शूड रिलेट टू योर पर्सनैलिटी प्लीज़ डू नॉट कॉपी एनी वन सेंटेंस कि ये सेंटेंस अच्छा है तो मैं ये कॉपी करके लिख दूंगा थिंक अबाउट इट कि आप कैसे उस वर्ड से रिलेट करते हैं Here, I am making this video because I can't give feedback, individual feedback to every candidate. So, I am making a consolidated uh, video of these particular examples. Next sentence Prior planning and teamwork wins competition. Now, this is a good sentence because in one sentence, you are able to show. टू क्वालिटीज वन इज़ कि कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए प्रायर प्लानिंग जरूरी है इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडिडेट है प्रो एक्टिव है पहले से प्लान करके चलता है सेकेंड थिंग आप टीमवर्क के भी बारे में बात कर रहे हैं तो इन वन सेंडेंस यूर एबल टू शो टू क्वालिटी विच इज़ ए गुड थिंग सो ट्रिक ओवर ह्योर इज कि आप जब सेंटेंसेस लिख रहे हैं ट्राई इन यूज एंड अगर आप एंड यूज कर पा रहे हैं कि ये दिस एंड दिस लीड्स टू दिस ऐसे आप ऑब्जर्वेशन सेंडेंस लिख पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छे सेंटेंसेज बनेंगे नेक्स्ट वन ए हेल्दी कॉम्पिटिशन एनहैंसेज द प्लेयर्स गेम यस कॉम्पिटिशन कैसा है हेल्दी है एंड जिससे क्या होता है जो प्लेयर का जो गेम है वो इम्प्रूव होता है इट्स अगेन ए गुड सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस कॉम्पिटिशन कीप्स दी प्रोग्रेस अलाइव यस दिस इज ए गुड सेंटेंस जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि अगर आप थ्रू आउट योर लाइफ कॉम्पिटिटिव फील करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस रुकेगी नहीं प्रोग्रेस आपकी चलती रहेगी दिस इज ए गुड सेंटेंस नेक्स्ट एनी कॉम्पिटिशन कैन बी वन विध डिटर्मिनेशन अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये एक अच्छा सेंटेंस है नो डाउट बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्योरिटी कम लग रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द वर्ड दैट यू हैव यूज आपने यहाँ पे यूज़ किया है कैन बी तो स्पेशली इन द साइकोलॉजी टेस्ट द फ्रेंड फ्रॉम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड जहाँ पे आप थोड़ा सा अनसर्टेनिटी शो कर रहे हैं जैसे कि आई विल ट्राई टू डू दिस जैसे मैं साटी में कुछ लोग लिखते हैं कि आई विल ट्राई टू सेव हिम तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो साइकोलॉजी में यू हैव टू बी श्योर कि हाँ अगर कॉम्पिटिशन्स को डिटर्मिनेशन के साथ फेस किया जाए तो डेफिनेटली यू कैन विन तो यहाँ पे रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द वर्ड्स लाइक कैन बी द नेक्स्ट वर्ड दैट इज फॉलो यू कैन पॉज द वीडियो फॉर फिफ्टीन सेकेंड एंड ट्राई एंड राइट ए रिस्पॉन्स ऑन दिस द फर्स्ट रिस्पॉन्स इंडियन आर्मी इज नोन फॉर फॉलोइंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ठीक है दिस इज़ अ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो सबको पता है अब आपके पास डब्ल्यू ए टी में जब एक वर्ड आ रहा है दिस इज़ एन ऑपरचुनिटी फॉर यू टू टेल द साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर अगर आप एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख देंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे कि आप अपनी कुछ क्वालिटी शो कर सकते थे तो ऐसे इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस आप ना लिखें नेक्स्ट रिस्पॉन्स फॉलोइंग राइट डायरेक्शन लीड्स टू सक्सेस अब यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्विटी मुझे लगा कि राइट right डायरेक्शन आपके लिए कौन सी राइट right डायरेक्शन है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है वॉट इज राइट फॉर यू जो आपके लिए सही है वो किसी और के लिए गलत भी तो हो सकता है सो बी स्पेसिफिक कि अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग लीड्स टू सक्सेस तो आप ऐसा क्या फॉलो करते हैं कि आपको सक्सेस मिलती है प्लीज़ राइट अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी थोड़ा सोच के लिखिए इनिशियली वेन यू आर प्रैक्टिसिंग डब्ल्यू ए थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है बट प्लीज़ फॉर द इनिशियल हंड्रेड वर्ड थोड़ा टाइम लगा के लिखिए थोड़ा सा सोचिए उस बारे में हाउ यू एक्चुअली रिलेट आपने बिना सोचे लिख दिया यहाँ पे कि राइट फॉलोइंग राइट डायरेक्शन लीड्स अस टू सक्सेस बट कौन सी राइट right डायरेक्शन आप क्या फॉलो करते हैं जिससे कि आप सक्सेसफुल है आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू अचीव गोल्स इन लाइफ अब पहली बात तो ये है कि ये जो सेंटेंस है एडवाइस जैसा लग रहा है तो आपने डब्ल्यू में एडवाइस नहीं देनी होती है और ये क्यों नहीं देनी होती है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था जहाँ पे मैंने डब्ल्यू में कैसे रिस्पॉन्स नहीं लिखने हैं वो बताए थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो इसलिए हम नहीं लिखते हैं एडवाइस वाले सेंटेंसेज बिकॉज सबको पता है कि एडवाइस देने में ज्ञान देने में सब आगे रहते हैं उनको वो खुद फॉलो करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एडवाइज इन योर डब्ल्यू ए टी रिस्पॉन्सेज इंस्टेड आपको ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस लिखने आपने ऑब्जर्व करके लिखना है कि आपने ऐसा क्या फॉलो किया जिससे आपको गोल्स अचीव हुए लाइफ में अब रूल्स एंड रेगुलेशन ये फॉलो के साथ ये ऑटोमेटिकली आ जाता है यू विल सी इन दीज तो बहुत सारे लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन तो प्लीज़ कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए एंड देन राइट सेंटेंसेस नेक्स्ट सेंटेंस फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक एस हैप्पी नाउ दिस इज़ हार्डली ट्रू कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके हम हैप्पी होते हैं आई डोंट थिंक देर आर एनी रूल्स जिनको हम फॉलो करके खुश होते हैं तो आई थिंक ये भी अगेन ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ पे बिना सोचे समझे लिखा गया है सो प्लीज़ बी मोर था नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो द पर्सन हु डायरेक्ट यू इन राइट डायरेक्शन अब यहाँ पे भी थोड़ा सा किसी और को फॉलो करने के बजाय वाई डोंट यू टॉक अबाउट योर ओन डिटर्मिनेशन योर ओन विल पावर योर ओन ड्रीम्स योर ओन टाइम टेबल और समथिंग लाइक दैट तो थोड़ा सा और आपने थॉटफुल होने की ज़रूरत है नेक्स्ट सक्सेसफुल पीपल फॉलो पाथ ऑफ ट्रूथ यस दिस इज़ ए गुड सेंटेंस नेक्स्ट कैडेट फॉलोज द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लीडर ऑब्वियसली दे विल हैव टू फॉलो नहीं फॉलो करेंगे तो डंडे पड़ेंगे वॉट इज़ न्यू अबाउट इट तो ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर मत दीजिए अगेन ईच सेंटेंस ईच वर्ड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेल द साइकोलॉजिस्ट अबाउट यू तो इसको वाइजली यूज़ करिए नेक्स्ट फॉलो द पैशन ये तो टैगलाइन हमने पता नहीं कितनी बार सुन ली है तो हमने कभी भी सुनी सुनाई बातें नहीं लिखनी है हमने कोड्स नहीं लिखने हैं डब्ल्यू ए रिस्पॉन्स में आपने अपने पर्सनैलिटी के बारे में बताना है प्लस ये बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस है तीन वर्ड्स का नहीं लिखना है इट शोज़ कि आप बहुत कम सोच पा रहे हैं उन पंद्रह सेकेंड में वेर एज अदर कैंडिडेट्स आठ से नौ वर्ड्स लिख पा रहे हैं आप सिर्फ तीन ही वर्ड लिख रहे हैं यू कैन इमेजिन वॉट इट शोज सेकेंड थिंग आप यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं एडवाइस भी नहीं देनी है आपने ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं डायरेक्टली आप सोचिए फॉलो वर्ड सोचिए एंड देन ट्राई एंड राइट एटलीस्ट फाइव सेंटेंसेज ऑन ईच वर्ड इनिशियली जब आप डब्ल्यू ए टी प्रैक्टिस करेंगे आपको हर एक वर्ड के लिए पाँच सेंटेंसेस लिखने ही लिखने हैं भले उसके लिए आपको हाफ एन आवर लगे नेक्स्ट सेंटेंस ऑलवेज फॉलो लेजेंड अगेन ये बहुत ही शॉर्ट रिस्पॉन्स है दूसरा चीज़ आप यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं तीसरा चीज़ ये एक कोड जैसा है जो हमने बहुत बार सुना हुआ है आपने बिल्कुल भी वर्ड जो दिया गया था आपको फॉलो उसके बारे में नहीं सोचा अपनी पर्सनैलिटी से नहीं रिलेट किया एंड ऐसे ही कोई भी सेंटेंस लिख दिया है विच इज़ नॉट राइट नेक्स्ट फॉलोइंग सीनियर्स एडवाइस लीड टू सक्सेस अब ये एक अच्छा सेंटेंस है कि आपको लगता है कि आप सीनियर्स की एडवाइस फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगेन गुड थिंग एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जस्ट बाई एडिंग आई एन जी आप जो सेंटेंसेस हैं उनको ऑब्जर्वेशनल बना सकते हैं यही एक सेंटेंस कोई और कैंडिडेट ऐसे भी लिख सकता था फॉलो सीनियर्स एडवाइस टू बी सक्सेसफुल ये क्या है ये एक एडवाइस लग रहा है बट यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है फॉलोइंग सीनियर्स एडवाइस लीड टू सक्सेस ये एक ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लग रहा है कि ये जो कैंडिडेट है उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा फील किया होगा कि सीनियर्स की एडवाइस फॉलो करना एक अच्छी बात है एंड

आप टाइम टेबल क्यों फॉलो करते हैं यू शुड टॉक अबाउट दैट दैट वुड बी ए मोर रियल रिस्पॉन्स दैट वुड बी ए रिस्पॉन्स जो आपकी क्वालिटीज को डिपेक्ट करेगा तो आप क्या करते हैं वो मत बताइए क्या करते हैं वो शॉर्ट में बता के क्यों करते हैं वाई इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द साइकोलॉजी टेस्ट सेंटेंस फॉलोइंग रोल मॉडल्स गारंटीज सक्सेस ओके दिस इज ए गुड सेंटेंस नेक्स्ट वन ऑलवेज फॉलो द राइट वे इवन इट सीम्स टू बी लॉन्ग अब ये ऐसा कोई कोट लग रहा है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि रास्ता लंबा हो लेकिन सही होना चाहिए अड्ड आप ऐसी सुनी सुनाई बातों के बारे में प्लीज़ मत लिखिए आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं क्यों फॉलो करते हैं राइट वे को क्यों फॉलो करते हैं टॉक अबाउट दैट थर्ड थिंग यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें आप एडवाइस दे रहे हैं आपने एडवाइज नहीं देनी है नेक्स्ट गुड टीम फॉलोज देयर लीडर्स अगेन ये एक सुपरफिशियल रिस्पॉन्स है कि एक अच्छी जो टीम होती है अपने लीडर को फॉलो करती है आपको अपनी पर्सनैलिटी से डीपली कनेक्ट करना चाहिए हर सेंटेंस को हर वर्ड के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए वॉट डू यू फॉलो वाई डू यू फॉलो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट आपने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें फॉलो करी हैं उनसे आपको क्या फ़ायदा हुआ है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट थाट प्रोसेस आप एक सेंटेंस अच्छा लिख पाएंगे नेक्स्ट फॉलोइंग टाइम टेबल इंक्रीजेस एफिसियंसी येस पिछले में मैंने बात किया था कि टाइम टेबल आप क्यों फॉलो करते हैं वहाँ पर देखिए सिर्फ ये लिखा हुआ था कि टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए आई हियर यू कैन सी फॉलोइंग टाइम टेबल इंक्रीजेस एफिशियंसी नाउ दिस कैंडिडेट नोज कि मुझे टाइम टेबल क्यों फॉलो करना चाहिए तो दिस इज़ ए ऑब्वियसली ए बेटर सेंटेंस आई होप जो सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए उनमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी बट प्लीज लेट मी रिमाइंड यू अगेन प्लीज़ डू नॉट कॉपी एनी ऑफ द रिस्पॉन्सेज आपको अपने ही रिस्पॉन्सेज लिखने हैं जो सेंटेंस आपकी पर्सनैलिटी से डीपली रिलेट करता है वही सेंटेंस आपके लिए बेस्ट हो सकता है बिकॉज टी भी आप लिख रहे हैं एस भी लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो निकल के आ चुकी हैं तो देर इज़ नो पॉइंट कॉपिंग एनी सेंटेंस आई एम जस्ट सेंग कि आप थोड़ा सा और थाटफुल होकर लिखिए थोड़ा और प्रैक्टिस करिए इनिशियली हंड्रेड वर्ड्स जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा बट देन इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट इन दिस डब्ल्यू ए टी वीडियो वी हैव टेकन रेस्पांस फ्राम द इंस्टाग्राम हैंडल बट नेक्स्ट जो डब्ल्यू ए टी वीडियो होगा उसमें जो हम रेस्पॉस देखेंगे दट वुड भी फ्राम द यूट्यूब कॉमेंट्स देर आर मेनी कैंडिडेट जिन्होंने अपने सेंटेंसेज वहाँ पे लिखे हैं वी आर गु सी की वर्ड मिस्टेक्स दे हैव मेड एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव द वे दे आर राइटिंग बिकॉज साइकोलॉजी में डेफिनेटली अगर आपको एक बेटर तरीका पता हो कि कैसे अपनी क्वालिटीज़ को प्रोजेक्ट करना है देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर बट देन अगेन जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आप में वो क्वालिटीज़ पहले होनी चाहिए आप में क्वालिटीज़ हैं देन ओनली यू विल भी एबल टू डिपिक दैम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ द कंटेंट वॉज हेल्पफुल डू सब्सक्राइब टू दैनल ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेड टू एस एस बी यू कैन फॉलो एर्स ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल पी अंडर स्कोर टॉक्स